हमारे साथ हैं विजय भाटिया जी, लाखों हैं यहाँ दिलवाले से। आइए जानते हैं उनसे फिल्म की कुछ खास बातें। विजय जी, आपको इस फिल्म में क्या? ये फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है और ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है और एक छोटे शहर से यही सपने लेकर मुंबई में आता है अपने सपने पूरे करने के लिए, जैसे कि सब लोग आते हैं, और यहाँ आकर अपने गाने का सफ़र शुरू करता है और गाते गाते उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसके साथ गाती है, और गाते गाते प्यार होता है और फिर पता चलता है कि लड़की एक्चुअली शादीशुदा है। तो ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। उसके बाद में किस तरह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, करियर थोड़ा नीचे चला जाता है और ड्रग एडिक्ट और शराब के नशे वगैरह में रहने लगता है, तो पर एंड में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। जिस तरह लाइफ में हमेशा अंत में सब भला हो जाता है, उस तरह फिल्मों में भी एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे फिल्म का नाम है लाखों हैं यहाँ दिल वाले, लेकिन आपका दिल तो सिर्फ एक के साथ ही लगा है। देखिए, दिल वाले हमेशा लाखों ही होते हैं, आपको अपना दिल एक के साथ लगाना होता है। ये है एक्चुअली हमारे मैसेज फिल्म का भी यही है कि लाखों हैं यहाँ दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता, लेकिन अगर आप शिद्दत से किसी को चाहेंगे तो प्यार ज़रूर मिलेगा। आपने सर सीरियल्स में भी छोटे पर्दे पे भी काम किया है, बड़े पर्दे पे भी काम किया है, तो बड़े पर्दे और छोटे पर्दे में काम करने में आपको क्या फ़र्क? बहुत ज़्यादा फ़र्क है बड़े पर्दे में और छोटे पर्दे में। छोटे पर्दे में मैं सिर्फ आपको 15 या 20 मिनट दिखाई देता हूँ हर दिन, लेकिन एक फ़िल्म में आप लगातार मुझे 3 घंटे तक देखते हैं, तो फिल्म में मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मुझे मेरी गलती का स्कोप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। टीवी में मैं हो सकता है एक आध बार कुछ गलती कर भी दूं और आप मुझे क्षमा कर दें, लेकिन फिल्म में किसी गलती को माफ़ नहीं किया जाता। बहुत बड़ा पर्दा होता है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो एज एन एक्टर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू फेसिंग अ फिल्म कैमरा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, देयर इज़ लॉट ऑफ मनी राइडिंग बिहाइंड यू, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड टुडे इट्स बिकम सो प्रोफेशनल दैट यू कैन नॉट लाइक जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड ओके आई विल बी एन एक्टर। इट्स नॉट एज ईजी एज दैट। You come here with a lot of preparation. तो आपको इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें हैं आप इस फिल्म पे? जैसे हर किसी को अपनी फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, हम लोगों ने भी पूरा मन लगा कर काम किया है, मेहनत की है, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग देखें और पसंद करें और आशीर्वाद दें ताकि इस तरह आगे और काम करें, अच्छा काम करें, आपको एंटरटेन करें। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे विजय भाटिया जी फिल्म लाखों हैं यहाँ दिलवाले से। मैं कैमरामैन आदित्य के साथ दीपांश विजय, न्यूज़ पॉइंट।